पलक शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पलक शर्मा 23। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जनवरी 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का सेक्शन। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन मैंने आप लोगों के साथ में पहले ही डिस्कस कर दिया है। अगर आपके वो वीडियोज़ मिस हो गए तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और आपको अभी कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपका कोई भी आगे वाला लेक्चर मिस ना हो। और हम जल्द ही 150 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने वाले, तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो, जिससे उनका भी ये लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, इफ़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पोल इज 196 न्यूटन, तो वेट ऑब्जेक्ट का इक्वेटर पे क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। इसमें देखिए, हमारे पास में वेट अगर पोल पे आपको गिवन है 196 न्यूटन, और इक्वेटर पे अगर आपसे पूछा है वेट क्या होगा, तो आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो आपने पढ़ा है वेट का फॉर्मूला होता है mg, बट वेट का जो रियल फॉर्मूला है वो आपका होता है mg माइनस ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। इज इट क्लियर? mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। यहाँ पर आपका cos थीटा क्या है हम वो देखते हैं। अगर ये आपकी अर्थ है और ये आपका है पोल, और यहाँ पर है आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर के लिए थीटा कितना हो जाएगा आपका 0, और एक पोल्स यहाँ पर होते हैं आपके, ये है आपका इक्वेटर, इक्वेटर के लिए आपका थीटा हो जाएगा 0, और पोल्स के लिए आपका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। जब आप पोल्स पे निकालते हो वेट, तो आप जब यहाँ पर कॉस 90 रखते हो तो वो पूरा पार्ट 0 हो जाता है, आपका बचता है वेट सिर्फ और सिर्फ mg। बट जब आप इक्वेटर की बात करते हो तो यहाँ पर आप रखते हो कॉस 0 जो कि 1 होता है, और आपका इक्वेटर पे आप निकालते हो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r से। अब यहाँ पर mg क्या है, तो आपको वेट पोल पर दिया हुआ है वो आपका mg आ गया। अब यहाँ पर हमें निकालना है m ओमेगा स्क्वायर r। m आपको पता है मास, ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका होता है 2π/T। अब टी हमें पता है कि अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स का, तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स। तो ये टोटल आपका ओमेगा की वैल्यू हो गई। इसका आप करोगे स्क्वायर, आर है यहाँ पर आपकी रेडियस। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे क्या बोला है कि हमारे पास में एक हाउस में 15 बल्ब्स हैं, और पावर आपको सारे के सारे बल्ब्स या फिर जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन सब की आपको पावर गिवन है। तो अगर मैं 15 बल्ब्स वाले की बात करूँ तो उसकी है 45W, फिर 15 बल्ब्स वाले की 100W, 15 बल्ब्स फिर हैं, फिर उनकी 10 वोल्ट, फिर उसकी है आपके 2 हीटर्स, उनकी 1 kW है। तो ये किलो है यहाँ पर, तो आप 10³ से मल्टीप्लिकेशन करके तब आप इसे वॉट में चेंज करेंगे। उसके बाद आपने इन सारे बल्ब्स को आपने कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट्स के सप्लाई से, तो आपको फ्यूज़ करंट बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ाया है, वो होता है आपका VI। तो टोटल पावर कितनी है पूरे हाउस के अंदर, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं टोटल हाउस की बात, पूरे हाउस के अंदर पावर की बात करूँ, तो वो आपका हो जाएगा, टोटल आपने 15 बल्ब्स लगाए 45 वोल्ट के, तो पावर कितनी हो जाएगी 15 × 45 प्लस 15 × 100 प्लस 15 × 10 प्लस 2 × 1000। तो ये आपकी टोटल पावर आ गई। फिर आपको पता है P इज़ इक्वल्स टू VI, यहाँ से आपको I निकालना है, फ्यूज करंट निकालना है, तो P अपॉन V आपको गिवन है 220। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे क्या गिवन है कि हमारे पास में एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है जिसमें आपका वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो रेशियो आपको बताना है फाइनल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का इनिशियल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से। अब इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो V/√T होता है। V है यहाँ पर आपका वॉल्यूम, और ये T क्या है आपका, ये है टेम्परेचर, और ये वाला tau है आपका रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? अगर आपको ये चीज़ पता है तो अब हम आगे बात करते हैं। इसमें क्या बोला है कि आपने वॉल्यूम इनिशियली वी था, तो बाद में वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, डबल हो जाता है। आपको फाइनल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का रेशियो बताना है इनिशियल के साथ में। तो अगर मैं फाइनल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन इनिशियल बात करूं, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, मैंने आपको बताया वी फाइनल अपॉन रूट टेम्परेचर फाइनल इंटू वी इनिशियल अपॉन रूट टेम्परेचर इनिशियल। वी फाइनल आपको पता है कि 2 times हो गया वी इनिशियल के। अब हमें बेसिकली टेम्परेचर फाइनल और टेम्परेचर इनिशियल में कोई ना कोई रिलेशन निकालना होगा। अब क्योंकि आपको साफ साफ दिया हुआ है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आपने एक और चीज़ पढ़ी थी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कि TV गामा इक्वल्स होता है कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं T1V1 गामा इक्वल्स कर दूँ T2V2 गामा के, तो हम T1 और T2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया TV गामा -1। तो TV गामा -1 कॉन्स्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, और आपका होता है PV गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और एक होता है आपका TV गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है? अब देखते हैं,
अब यहाँ पर आपको अगर मैं टी वी गामा माइनस वन को लगाऊँ तो टी वन वी वन गामा माइनस वन, टी टू वी टू गामा माइनस वन। अगर हम यहाँ पर टी वन अपॉन टी टू लिखेंगे तो वो आपको हो जाएगा वी टू अपॉन वी वन गामा माइनस वन। अब आपको पता है वी टू क्या है, यहाँ पर आपका टू टाइम्स ऑफ वी वन, तो आप जब यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ वी वन लिखोगे तो वी वन से वी वन कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर बचेगा टू टाइम्स गामा माइनस वन बाय टू। अब यहाँ पर जब आप इसका रूट लोगे तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, पूरी पावर का हाफ लगा दोगे, तो अब आपके पास में रूट टी वन बाय टी टू की वैल्यू आ गई इतनी, और वी वन बाय वी टू की वैल्यू आपको पता है। अब हम रेशियो निकालेंगे, तो अगर आपको मुझे पता है कि रूट टी वन बाय रूट टी टू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, टू गामा माइनस वन बाय टू, तो इसकी जगह आप सिंपल इसे सब्सटीट्यूट करोगे। अब वी फाइनल क्या है, टू टाइम्स ऑफ वी इनिशियल, तो आप वी इनिशियल से वी इनिशियल कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा टू। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, सॉरी इक्वेट करेंगे नहीं, मतलब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा टू गामा माइनस वन बाय टू प्लस वन, ठीक है। जब आप इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा टू रेज टू द पावर गामा माइनस वन प्लस टू अपॉन टू, तो बेसिकली आपके पास में आ गया टू गामा माइनस गामा प्लस वन अपॉन टू। तो अब हम देखेंगे ये वाला कौन सा ऑप्शन है आपका, टू रेज टू द पावर गामा प्लस वन बाय टू, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपसे बोला है कि हमारे पास में एक ब्लॉक था 10 केजी का, उसको आपने एक स्ट्रिंग से सस्पेंड करा हुआ है जिसकी लेंथ है आपके 4 मीटर, उसके बाद आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया अलॉन्ग द मिड पॉइंट, जो उस स्ट्रिंग का मिड पॉइंट है वहाँ पर आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया एफ, तो आपको बताना है कि अपर हाफ ने जो वर्टिकल एंगल के साथ में थीटा बना देती है कोई पर्टिकुलर 45 डिग्री पे आपके वो शिफ्ट जाती है, तो आपको वैल्यू बतानी है एफ की। तो एक बार फिर से देखते हैं, ये क्या है, हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, इससे आपने 10 केजी का एक ब्लॉक अटैच किया हुआ था, फिर आपने यहाँ से एक मिड पॉइंट पे फोर्स लगाया एफ, जब आप वहाँ पे फोर्स लगाओगे एफ तो वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, तो वर्टिकल के साथ में वो एंगल बना लेती है 45 डिग्री का, तो अब आपको ये वैल्यू बतानी है एफ की। तो ये बहुत सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है, इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या लगेगी स्ट्रिंग में, टेंशन लगने वाली है, तो आपको पता है ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाले कंपोनेंट आपका हो जाएगा टी कॉस 45 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा टी साइन 45 डिग्री। तो अब आपने देखा कि फोर्स इस वाली डायरेक्शन में है और टी साइन 45 डिग्री इस वाली डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम में, तो आपने यहाँ से कह सकते हो F इज इक्वल्स टू टी साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/√2, तो आप यहाँ से कह सकते हो F इज इक्वल्स टू टी बाय रूट टू। अभी आपके पास में एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर मैं इस वाली तरफ से बात करूँ, ये आपको गिवन है टी कॉस 45 डिग्री, और नीचे आपका फोर्स लग रहा है इस 10 केजी की वजह से, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 10 × 10 100 न्यूटन का फोर्स mg आपका नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये जो t cos 45 है इसको आपका बैलेंस कर रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। तो आपका cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। आपको बेसिकली निकालनी है यहाँ पर f की वैल्यू, तो यहाँ से आप t निकाल सकते हो, t आपका यहाँ से जाएगा 100√2, क्लियर है। अब इस 100√2 को आप सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो जैसे आप 100√2 लिखते हो अपॉन रूट टू, तो आपका आंसर आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, क्लियर है। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आपका F आ गया 100 न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हमारे पास सरफेस मास डेंसिटी डी है एक डिस्क की, जो रेडियली वेरी कर रही है, मतलब पूरी डिस्क में कांस्टेंट नहीं है सरफेस मास डेंसिटी, और जैसे जैसे आप सेंटर से रेडियस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वो वेरी करती है। तो आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मास क्या है आपका, कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आप सेंटर से, ये पर्टिकुलर मेरी पूरी डिस्क है, जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जा रही हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा जो मास है वो चेंज हो रहा है। तो हम ऐसे में क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो मैं छोटे से डिस्क के छोटे से पार्ट का क्या करूँगी, मास देखूँगी कितना है और फिर मैं पूरे के लिए उसे इंटीग्रेट कर दूँ। तो आपने एक छोटा सा पार्ट लिया, बहुत छोटा सा ये वाला पार्ट आपने कंसिडर किया डिस्क का, उसकी रेडियस कितनी है आपकी, वो आपने r रेडियस पे, r डिस्टेंस पे दूर रखा हुआ है, और इसकी पूरी थिकनेस है आपकी dr, ठीक है। पूरे एक डिस्क में आपने एक छोटा सा पार्ट मान लिया जिसकी ये वाली जो थिकनेस है वो है आपकी dr, और वो सेंटर से है आपका r डिस्टेंस दूर, इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें कितना dm लगता है, कितना मास है, छोटा सा मास। तो अगर सरफेस डेंसिटी आप यहाँ से देखोगे तो वो है, यहाँ पर आपको सिग्मा क्या गिवन है, a प्लस बी आर, और ये है आपकी सरफेस मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको गिवन है। तो अगर अब यहाँ पर बात करें हम लोग, तो सिग्मा आपको गिवन है a प्लस बी आर,
और ये चीज़ क्या है, आपकी मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आर। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर जो छोटा सा पार्ट हमने कंसिडर किया है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम आपका हो जाएगा सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस। ठीक है, सरकमफेरेंस कितनी है, एम अपॉन टू पाई आर इंटू डी आर, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आर। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास में मास आ जाता है इस छोटी सी डिस्क का, जिसको हमने डी एम मान लिया बेसिकली, डी एम और डी वी। तो डी एम आपके पास में आ जाता है ए प्लस बी आर टू पाई आर डी आर। क्लियर है, एक बार आपके पास में ये आ गया, फिर आपको पता है आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर अब आपको दिखाऊँ तो आई इज इक्वल्स टू इस छोटे से पार्ट के लिए आई कितना हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन करेंगे डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास में डी एम आपको पता ही है, इंटू आर स्क्वायर करोगे तो आपके पास में ये वाली टर्म्स कॉन्स्टेंट आ जाएंगी और आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है जीरो से, रिंग का रेडियस है ए तो जीरो से ए तक का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कैस्केडेड कारनॉट इंजन इज एन अरेंजमेंट इन विच हीट सिंक ऑफ वन इंजन इज अ सोर्स फॉर द अदर। इफ हाई टेम्परेचर फॉर वन इंजन इज T1, लो टेम्परेचर फॉर अदर इंजन इज T2। एज्यूम वर्क डन बाय बोथ द इंजन इज सेम, कैलकुलेट लोअर टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट इंजन। तो देखिए, कैस्केडेड कारनॉट इंजन कुछ इस तरीके का होता है कि सबसे पहले आपके दो इंजन होते हैं इसके अंदर, जो पहले वाले का सोर्स होता है, जो पहले वाले का सोर्स होगा और पहले वाले की जो सिंक है ये, तो सेकंड वाले इंजन के लिए जो फर्स्ट वाले की सिंक थी वो सोर्स की तरह काम करेगी। ठीक है, और ये आपका सिंक हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला है, इसमें इसका टेम्परेचर आपको गिवन है T1, इसका टेम्परेचर आपको गिवन है T2। आपसे बोला है दोनों ने जो वर्क किया वो बिल्कुल इक्वल था WW, तो आपको बताना है कि इस वाले का पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या था। तो अगर मैंने मान लिया, अब यहाँ से इस इंजन में हमने मान लिया कि यहाँ से हीट आती है आपकी Q1, ठीक है, और W वर्क होने के बाद जो हीट रिलीज हो रही है वो है आपकी Q2। तो अब जब यहाँ से Q2 हीट गई है तो इसको कितनी हीट मिलेगी, Q2 हीट मिलेगी। तो यहाँ से Q2 हीट चली गई, उसके बाद वर्क डन करने के बाद आगे जो हीट जाती है वो कितनी है आपकी Q1। क्लियर है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको क्या करना होता है। जब भी आपको वर्क डन गिवन हो इक्वेट करने के लिए तो आपको उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। तो एक कारनॉट इंजन, अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए बात करूँ तो आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है T1 by T2 by T1। अब T2 क्या है, यहाँ पर T2 ये वाला नहीं, T लोअर बाय T हायर, ठीक है, इस तरीके से बोलो। तो नीटा आपका हो जाएगा एफिशिएंसी 1 - T लोअर है आपका T अपॉन T हायर है आपका T1। तो ये आपके पास में एक एफिशिएंसी की इक्वेशन आ गई। दूसरा आपने एफिशिएंसी पढ़ा है W अपॉन इनिशियल हीट सप्लाइड, तो W इसने कितना किया, W किया, और हीट इसको कितनी मिल रही है, Q1 मिल रही है। तो नीटा आपकी दो इक्वेशन आ गई, नीटा की ये वाली और ये वाली। ठीक है, इसी तरीके से आप नीटा 2 के लिए, इसके वाले एफिशिएंसी के लिए दो इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब जैसे ही आपके पास में ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, आपको करना है W के लिए सॉल्व। अब यहाँ पर से W अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, हम Q1 को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं T1, तो ये आपका हो जाएगा W इज इक्वल्स टू T1 1 - T by T1। ठीक है, इसमें W आपका क्या हो जाएगा, T2 1 - T2 by T। तो आप जब इन दोनों वर्क डन को इक्वेट करोगे तो आपके पास में T की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों को इक्वेट किया, आपके पास में T आ जाता है यहाँ पर निकल करके 2T इज इक्वल्स टू T1 + T2। तो T आपका आ जाएगा T1 + T2 by 2। क्लियर है, ऑफ अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम 700 सेकेंड टू 900 सेकेंड, इनिशियली थी 700 पर सेकेंड, फिर है 900 सेकेंड इनवर्स, तो वो टोटली चेंज हुई 30 मिनट्स में। तो आपको हाफ लाइफ बतानी है कितनी है। ठीक है, तो या तो आप ये पूरा का पूरा मेथड यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रही हूँ। तो आपको क्या है, हाफ लाइफ बतानी है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था T इज इक्वल्स टू 2.303 बाय लैम्डा लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। तो इनिशियल यहाँ पर कितनी है आपकी, इनिशियल थी 700, लॉग आर नॉट बाय आर, इनिशियल अपॉन फाइनल आपने पढ़ा था। ठीक है, अब आपको ये टाइम गिवन है, यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब आप लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा 2.303 बाय 30 मिनट्स, को आप बेशक मिनट्स में रहने दीजिए क्योंकि आपको पूछा है हाफ लाइफ इन मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लॉग 7/9। तो लॉग 7/9 को अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, लॉग 7/9 ये आपका यहाँ तक आ गया। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, अभी आप इसे यहाँ से सॉल्व ना करें एक मिनट। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा है हाफ लाइफ, तो यहाँ से आपका लैम्डा निकालने के लिए इक्वेशन थी। तो लैम्डा आपको पता है क्या होता है, ln 2 by t half।
ठीक है। अब जो ये लॉग है इसको हम क्या करेंगे, ln में चेंज कर लेंगे, तो 2.303 लॉग पूरा का पूरा क्या चेंज हो जाएगा, आपका ln में चेंज हो जाएगा, और लैम्डा की जगह आप लिख सकते हैं ln अपॉन t हाफ, क्लियर है। यहाँ से आपके पास में ln 2 अपॉन ln 7/5 एक साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा t हाफ अपॉन 30। तो आप यहाँ से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपसे बोला है इन YDS सेपरेशन, ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन स्लिट गिवन्स है, ठीक है, दोनों स्लिट के बीच में कितना डिफरेंस है वो आपको गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन कैपिटल डी आपको गिवन है, वेवलेंथ आपको गिवन है, आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय डी। यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, डी क्या है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और डी है आपके दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत इजीली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपसे क्या बोला, एक आइडियल फ्लूड है, ये भी बहुत इक्वेशन, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है और बहुत इजीली आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। तो इसमें आपसे क्या बोला है, आपके पास में एक आइडियल फ्लूड है जो आपका फ्लो कर रहा है एक पाइप में, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम डायमीटर गिवन है, तो रेशियो बताना है आपको मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का। तो अगर मैंने आपसे बोला आपको एक साइड आपको A1 भी गिवन है और दूसरी साइड वाला A2 गिवन है, यहाँ पर आपको V1 और V2 के बीच में वेलोसिटी के बीच में रेशियो बताना है। तो आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से कि A1 V1 इक्वल्स होता है A2 V2 के, तो A1 आपको गिवन है, A2 आपको गिवन है, आपको V2 बाय V1 बताना है, बहुत इजीली आपका इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपसे बोला देयर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो अब आपके आपको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस है या फिर फॉरवर्ड बायस है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये है हमारा डायोड, तो हमें पता है ये वाली चीज़ होती है आपकी पी, ये है एन। फॉरवर्ड बायस के लिए पी को पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट हो रहा है और एन को नेगेटिव के साथ में। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट है और ये वाला आपका आकर के नेगेटिव के साथ में कनेक्ट है। तो ये आपका कैसा हो गया, आपका ये बायस हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में। तो ये वाला डायोड जब आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली वो करंट को पास होने देगा और हम इसे एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, आप यहाँ पर आपसे पूछा है कि ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो सबसे पहले आप निकालोगे कि ए बी के बीच में करंट कितना जा रहा है, फिर आपको पता है वी इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटो है कि हम यहाँ से आई निकाल सकें। अब तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, सबसे पहले आप यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, फिर इसका सीरीज के साथ में ऐड कर दोगे तो आपके पास में टोटल नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना है, ठीक है। अब आपको वोल्टेज पता है कितना जा रहा है, टोटल भी आपको पता है, यहाँ से आप टोटल आई निकाल सकते हो कितना निकला। तो जितना भी आई आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है, टोटल आपने आई निकाल लिया, यहाँ पर आपका 5 हो गया, यहाँ पर आपका 10 हो गया, ये 30। तो यहाँ पर आई आपका कितना आ जाएगा, 30 अपॉन टोटल 5 + 10, ये आपका आई आ गया। अब आपको वी निकालना है, वी क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 5 + 10 इनटू आर। तो आर है आपका यहाँ पर 5, ठीक है। तो आप जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास में वोल्टेज आ जाएगा, वी इज इक्वल्स टू आई आर सॉल्व करके आपके पास में वोल्टेज आ जाएगा 10 वोल्ट का, क्लियर है। ए बी के बीच में आपको वोल्टेज निकालनी थी, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करोगे ए से बी के बीच में, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का होने वाला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर आपसे बोला है कि हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसका मास है m और पॉजिटिव चार्ज q है उसके ऊपर, तो उसको आपने प्रोजेक्ट किया विद स्पीड वी नॉट इन y डायरेक्शन, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में स्पीड वी नॉट से है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ ऑफ देम आर इन x डायरेक्शन, फाइंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स द इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसका मास और चार्ज आपको गिवन है और आपसे बोला कि सबसे पहले उसे मैंने वाई डायरेक्शन में ऊपर की साइड हम फेंक रहे हैं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है एक्स एक्सिस में, आपको वो टाइम इंस्टेंट बताना है जब आपकी जो स्पीड है वो फाइनल वाली इनिशियल के 2 times हो जाएगी। तो अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हम लोग, तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये है आपका वी नॉट जे कैप ऊपर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आई कैप डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका आई कैप डायरेक्शन में है। तो अगर हम सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या करेगा, अपने डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस डायरेक्शन में है, एफ ई।
क्लियर है। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूँ तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किस साइड लग रहा है, इधर वाली साइड लग रहा है, और वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर वाली तरफ है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, मतलब जो स्क्रीन है उसके अंदर की तरफ आपका फोर्स जाएगा। तो ये आपका हो गया एफ बी की डायरेक्शन, मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ। तो अगर आपके पास में एफ बी की डायरेक्शन है, एफ ई की डायरेक्शन, अब आपको बात किस पे है, सारी वेलोसिटी के ऊपर। तो आपने पढ़ाया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, तो वो उसकी वेलोसिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, वर्क डन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम चेंज करता है, वेलोसिटी चेंज नहीं करता मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वेलोसिटी देखनी नहीं है, वेलोसिटी देखेंगे हम एफ ई की वजह से। तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर मैं पहले वी एक्स, हमें जो नेट वेलोसिटी गिवन है हमें वो निकालनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें वी नॉट गिवन है ऊपर की तरफ, वी एक्स हमारी इस तरफ आ रही है जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ऊपर की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका जो फोर्स है वो किस तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ। मतलब क्या है, पार्टिकल इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और अंदर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अंदर की तरफ उसकी जो वेलोसिटी है वो वी नॉट ही रहेगी, ठीक है। जो मैंने ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाई है, ऊपर नहीं अंदर की तरफ मतलब शो हुई है, ठीक है। तो अंदर की तरफ उसकी वेलोसिटी वी नॉट है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वी एक्स हो जाएगी, नेट वेलोसिटी दोनों की इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वी एक्स आपका कितना हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा आपका यू एक्स, जो इनिशियली यू था वो था आपका बिल्कुल जीरो प्लस ए टी। अब ए कितना है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो आपको पता है ए क्या होता है आपका, फोर्स आपका कितना होता है क्यू ई, और फोर्स का फॉर्मूला है एम ए, तो ये आपका हो जाएगा क्यू ई, तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा क्यू ई बाय एम, ठीक है। तो ये आपका ए आ गया, अब इंटू टी, तो यहाँ से आपके पास में वी एक्स आ जाता है। तो एक बार आपके पास में वी एक्स आ गया, वी ओ एज इट इज़ है ही, अब आपको पता है कि जो नेट वेलोसिटी है वो टू टाइम्स हो रही है वी ओ के, ठीक है। अब इस नेट वेलोसिटी का ही हम यूज़ करेंगे, जब हम टू टाइम्स करेंगे इस नेट वेलोसिटी को वी ओ, तो तीनों का स्क्वायर बाई, ये आपको वेक्टर से आपको पता चल जाएगा कि जब ये वी एक्स है, ये वी ओ है और ये आपका टू वी ओ है, तो आपका जो टू वी ओ का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा वी एक्स के स्क्वायर प्लस वी ओ के स्क्वायर के। वी एक्स अब आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, क्यू ई बाय एम टी। तो अब आप इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाली इक्वेशन को, अब हमारा सिर्फ यही काम है। तो अगर यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो वी एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा फोर वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा थ्री वी नॉट स्क्वायर, और वी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका हो जाएगा थ्री वी नॉट। तो थ्री और वी नॉट आपको टाइम इंस्टेंट बताना है जब ये थ्री वी नॉट हो चुका होगा। तो अब आपको पता है टाइम, ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, क्यू ई टी बाय एम इज इक्वल्स टू थ्री वी नॉट, और आपको टाइम बताना है तो टाइम की क्वेश्चन आ जाएगी थ्री वी नॉट एम बाय क्यू ई, ठीक है। आगे आंसर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर आपसे क्या बोला है कि हमारे पास में टू सोर्स ऑफ साउंड मूविंग विद द सेम स्पीड वी एंड एमिटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 1400 हर्ट्ज आर मूविंग सच दैट द वन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड द सेकेंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इफ द ऑब्जर्वर हियर्स अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज देन द स्पीड ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो क्या है, आपके पास में एक ऑब्जर्वर है, ये S1 सोर्स है जो इस तरफ आ रहा है, S2 सोर्स है जो इससे दूर जा रहा है, दोनों की स्पीड आपको सेम गिवन है, फ्रीक्वेंसी 1400 हर्ट्ज से निकालते हैं। अब आपको बेसिकली बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब जो ऑब्जर्वर सुन रहा है अपारेंट फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से और अपारेंट फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से, उन दोनों का डिफरेंस F1 माइनस F2 आपको 2 हर्ट्ज गिवन है। अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं डॉपलर्स इफेक्ट। तो अगर मैं डॉपलर इफेक्ट्स के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर आपका F होता है, एक जनरल फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। तो F आपका होता है F नॉट C प्लस माइनस वी ओ, ऑब्जर्वर की क्या स्पीड है, C प्लस माइनस सोर्स की क्या स्पीड है। अब इस हिसाब से हमें देखना होता है, इससे आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो सबसे पहले वाले सोर्स के लिए अगर मैं बात करूँ S1 के लिए, तो वी ओ तो आपका जीरो है, ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा रेस्ट में। अब क्या है, ये है आपका ऑब्जर्वर, S1 उसके पास में आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने वाली है। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए नीचे वाला आपका माइनस में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो S1 के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी डॉपलर इफेक्ट से आती है F इज इक्वल्स टू F नॉट सी अपॉन सी माइनस ऑफ VS, क्लियर है। इसके दूसरा वाला पार्ट आपका सी अपॉन सी माइनस VS, और आप जब उसकी निकालोगे दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी तो वो आपकी प्लस होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, सोर्स उसके दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो रही है। तो ये हो जाएगा सी अपॉन सी प्लस वी, दैट इज इक्वल्स टू 2, दोनों का डिफरेंस आपको बताया आपका 2 होना है, तो आपके पास में यहाँ से V आ जाएगा, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर आपसे बोला है इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ अ
फोटोन, ठीक है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन है फोटोन है दोनों की सेम एनर्जी, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है इलेक्ट्रॉन और फोटोन के लिए। तो अगर सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ बात करूं तो आपने पढ़ा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी होती है आपकी, एच अपॉन रूट टू एम ई, ठीक है, ई क्या है यहाँ पर एनर्जी है, दोनों के लिए सेम है। अगर लैम्डा में फोटोन के लिए बात करूँ तो आपने लैम्डा फोटोन के लिए क्या पढ़ा हुआ है, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हो एच सी बाय ई, क्लियर है। अब हमें निकालना है इन दोनों का रेशियो, तो जैसे आप इन दोनों का रेशियो करोगे तो आपसे बोला इलेक्ट्रॉन का फोटोन से रेशियो, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका सी नीचे रह जाएगा और ई ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वन अपॉन सी रूट ऑफ ई अपॉन टू एम, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें आपसे क्या आपको गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन बाय ई टी इज इक्वल्स टू ई नॉट आई प्लस जे बाई रूट टू कॉस ओमेगा टी प्लस के जेड, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट 0 पाई बाय टू, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ 0 पाई बाय टू पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, फिर उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है वी नॉट के कैप एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो डायरेक्शन बतानी है आपको जो फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल के ऊपर उसकी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, E की इक्वेशन है आपकी cos ओमेगा t प्लस के एक्स, तो जब दोनों चीज़ें आपकी प्लस हैं तो E आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर आपके x डायरेक्शन में E दिया हुआ है, तो मतलब E बेसिकली एक्ट कर रहा है माइनस E डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपको गिवन है E इज इक्वल्स टू, अगर आपको E नॉट cos ओमेगा t प्लस के एक्स दिया हुआ है, दोनों चीज़ें आपकी पॉजिटिव हैं, तो आपको क्या है E अगर यहाँ पर आई कैप लिखा हुआ तो ई है बेसिकली आपका माइनस आई कैप डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा था ये चीज़। तो अगर आपका ये मैंने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मान लिए तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है, ये है आई प्लस जे बाय रूट टू वैक्टर की डायरेक्शन और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आपसे क्या बोला है, अगर मैं इस प्लेन से बाहर की तरफ निकलूं तो बाहर की तरफ अगर मैंने ये मान लिया कि आपकी जेड एक्सिस है तो यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है 0.0 पाई बाय 2, मतलब जेड एक्सिस पर आपका एक पार्टिकल रखा हुआ है, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है के कैप डायरेक्शन में है वी नॉट, तो आपको फोर्स बताना है उस पार्टिकल पे कितना लग रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्योंकि, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर इस वाले डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके 90 डिग्री पे जाकर इस डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है। अब हम फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो भी आपका इसी डायरेक्शन में निकलने वाला है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आपको गिवन है, पार्टिकल की वेलोसिटी है आपकी के कैप डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी वो किस तरीके से आएगी, क्यू वी क्रॉस बी से आएगी, ठीक है। वेलोसिटी का क्रॉस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के साथ में, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है आपका इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी का वेक्टर है आपका अंदर की डायरेक्शन में क्योंकि जेड पॉजिटिव की तरफ आपका जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी है आपकी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस तरफ होगा आपका, ई की डायरेक्शन में आपका फोर्स होने वाला है। तो अब आपके पास में ई की भी डायरेक्शन आ गई, बी की भी डायरेक्शन आ गई, तो आपको नेट जो फोर्स निकालना है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है आपका, आई प्लस जे बाय रूट टू के एंटी पैरेलल होने वाला है, ठीक है, एंटी पैरेलल टू आई प्लस जे बाय रूट टू, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपसे बोला है फोकल लेंथ आपको गिवन है कॉन्वेक्स लेंस की एयर के अंदर कितनी है, और अब उसके बाद आपने लेंस को लिक्विड में डाल दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आपको रेशियो निकालना है फोकल लेंथ इन मीडियम टू फोकल लेंथ इन एयर। तो बेसिकली ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप लेंस लॉ से इसे बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो अगर मैं लेंस लॉ की बात करूं तो आपको पता है क्या होता है, वो वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। अब जब आपने एक लेंस को लिया और सबमर्ज कर दिया किसी भी लिक्विड के अंदर, तो आर वन और आर टू रेडियस तो आपके चेंज नहीं होंगे, तो ये वाला फैक्टर आपका बिल्कुल हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको रेशियो निकालना होगा इस वाले फैक्टर का, ठीक है, ये तो बिल्कुल आपका कैंसिल ही होने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो म्यू एम आपको ग्लास का म्यू दिया हुआ है आपको 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है 1.42, ठीक है, तो ग्लास का हो जाएगा म्यू जी बाय म्यू एम, म्यू जी बाय म्यू एयर, एयर का तो होता है 1, म्यू जी और यहाँ पर आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.42। जब आप इस सबको सॉल्व करोगे आपके पास में रेशियो आ जाएगा। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी कभार आप भूल ना जाओ 1/f इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ग्लास होता है, तब आपका दूसरा म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 होगा, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना पेपर में।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे बोला है अ लिफ्ट ऑफ मास 920 kg हैज अ कैपेसिटी ऑफ 10%, इफ एवरेज मास ऑफ द पर्सन इज 60 kg, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लिफ्ट एंड लिफ्ट शाफ्ट इज दिस, मिनिमम पावर आपको बताना है। ये आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने 7 Jan शिफ्ट 1 के पेपर में भी किया था, ठीक है, तो आपको बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको क्या गिवन है, लिफ्ट है आपको, ये टोटल मास कैपेसिटी बताया है, तो यहाँ से आप mg करके निकाल सकते हो, टोटल कितने हैं आपके 10%, ठीक है, और एवरेज मास आपको बताया हर पर्सन का कितना है 68 kg, तो 68 kg इंटू 100 इंटू 10 आपका 1% का हो जाएगा, टोटल कितने हैं आपके 10% है, तो ये वाला मास और ऐड कर लेंगे लिफ्ट के मास में, और अब आपको पावर निकालनी है, तो नीचे की तरफ अब आपको नेट मास कितना हो गया, नेट जो फोर्स इस वाले मास की वजह से लग रहा है और जो mg की वजह से लग रहा है, उन दोनों को आप ऐड करोगे तो नीचे की तरफ फोर्स वेट की वजह से कितना लग रहा है वो पता चल गया। अब नीचे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, तो नीचे जो फ्रिक्शन फोर्स आपका लग रहा है वो आपको गिवन है 6000 न्यूटन, और अब आपने लगाया ऊपर की तरफ पावर, तो पावर का फॉर्मूला आपका होता है F इंटू V, F यहाँ पर हम लेंगे नेट, दिस प्लस दिस, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें आपको गिवन है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंपल एक हिस्टेरेसिस कर्व गिवन है, इसमें आपको मटेरियल का बताना है, रिटेंटिविटी, कोरोसिविटी और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, इस तरीके से हम साइकिल को शुरू करते हैं और फिर जब आप अपने मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल जीरो कर देते हो उस टाइम पे भी कोई ना कोई मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर रहता है, और ये चीज़ होती है आपकी रिटेंटिविटी। जब आप बिल्कुल पीछे चले जाते हो तो कितनी देर तक वो मैग्नेटाइजेशन को रख सकता है, तो वो है आपकी कोरोसिविटी, और ये जो चीज़ है बिल्कुल मैक्सिमम वाली ये होती है आपकी मैग्नेटाइजेशन, सैचुरेशन मैग्नेटाइज। तो अब अगर मैं तीनों की वैल्यू यहां पर हम कंपेयर करेंगे, तो ये चीज है रिटेंटिविटी, ये चीज है कोरोसिविटी, और ये चीज है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो अगर रिटेंटिविटी की बात करूं मैं, तो रिटेंटिविटी आपकी हो जाती है 1 टेस्ला, क्योंकि ये चीज है, ठीक है, और कोरोसिविटी कितनी हो जाती है 50, और ये है आपका मैग्नेटिक सैचुरेशन, तो ये आपका हो जाता है 1.5, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें आपसे क्वेश्चन को देखने से पहले हमें ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी के वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा जो ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है, इस तरीके से आपका ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी का ग्राफ चलता है, वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स का, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, अगर मैं एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखूँ तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, इन्फिनिटी। तो ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू आपकी जाती है इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ूँ तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू है आपकी जीरो। अगर आपको ये दो ग्राफ और दो वैल्यू समझ में आ गई, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है, आपके पास में एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, और टोटल बैटरी का वोल्टेज आपको गिवन है 20 वोल्ट। तो आपको रेशियो बताना है करंट का सर्किट के अंदर t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी और t इज इक्वल्स टू 40 सेकंड पे। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है I इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 - e माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है आपका एल बाय आर, क्लियर है। अब हमें पता है, अब हमें सबसे पहले निकालना होगा आई नॉट, तो आई नॉट कितना हो जाएगा वी बाय आर, वी कितना है आपका 20 और रेजिस्टेंस कितना है आपका 5 ओम का, तो ये आपका हो गया वी बाय आर। तो यहाँ से आपके पास में आई नॉट आ गया 20/5। अब हम आगे लिखते हैं 1 - e, टाइम तो हमें पर्टिकुलर बार बार लिखना पड़ेगा, एल हमें पता है 10 mH है, तो ये हो जाएगा 10/1000, 0.001, ठीक है, 0.001, और यहाँ पर अपॉन में आप कर दोगे 5। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जब आप यहाँ तक आ चुके हो, तो आपको टाइम इज इक्वल्स टू सबसे पहले लिखना है हमें इन्फिनिटी। तो जैसे ही मैं t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखूँगी, तो आपके पास में ये चीज़ कुछ कन्वर्ट हो जाएगी 4 1 - e^-∞ में, और मैंने आपको बताया e माइनस इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी 4। तो i इन्फिनिटी पे जो करंट टाइम इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे है वो है 4। अगर मैं बात करूं आई 40 टाइम, जब टी 40 है तब कितना है, तो 1 - e - 500 × 40। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे, तो आप देखोगे कि ये जो रेशियो है आई इन्फिनिटी और आई 40 का, तो इन्फिनिटी में हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी तो आपका 4 है, आई 40 वाले में से 4 1 माइनस समथिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा छोटा आपका 1 से हो जाएगा। तो आई इन्फिनिटी बाय आई 40 स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही थोड़ा सा ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा है बहुत छोटा, तो वो है आपका 1.061 के ज़्यादा पास में। अब ये है क्वेश्चन, इसमें आपको सीधे डायमेंशंस पूछी हैं B² / 2μ0 की, ठीक है। अब आपको पता है B² / 2μ0 की सिंपल, आपको यहाँ पर ये चीज़ किस चीज़ का फॉर्मूला है आपका, ये है आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो एनर्जी का आपको पता है ML2T - 2 होता है, वॉल्यूम आपका होता है L3। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो ये टोटल आपका हो जाएगा M L -1 T - 2।
ठीक है, चाहे तो आप बी की वैल्यू अलग रख के और म्यू नॉट की वैल्यू अलग रख के भी डायमेंशन को निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपसे गिवन है कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है 60 पिको फैरेड का, उसको हमने चार्ज कर दिया 20 वोल्ट से। अब उसके बाद हमने बैटरी को कर दिया रिमूव और कैपेसिटर को दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ में लगा दिया, तो आपको हीट लॉस बताना है कितना होगा। तो हमने हीट लॉस के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साफ साफ कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ सी वन सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अब हम। तो अगर मैं आपके उसमें फॉर्मूला लिखूं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ सी वन सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू, तो अब यहाँ पर आपको क्या है, सी वन क्या है इनिशियल जो कैपेसिटर था, सी टू क्या है फाइनल आपने क्या कैपेसिटर इसके साथ में जोड़ दिया, वी वन है इनिशियल वोल्टेज कितने से आपने उसको कनेक्ट किया हुआ था, वी टू क्या हो जाएगा इस टाइम पे आपका, क्योंकि आपने सेकेंड वाले कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो वी टू आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को लगा करके अपना हीट लॉस निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपसे बोला है अगर हमारे पास में m ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इज मिक्स विद 200 ग्राम्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट रिजल्ट इन वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द वैल्यू इन ऑफ m इन ग्राम्स, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, हमारे पास में सबसे पहले है m ग्राम्स स्टीम्स का, ओके ठीक है। तो अगर हमारे पास में है ये सबसे पहले m स्टीम और इसका हमारा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद हमने इसे 200 ग्राम्स ऑफ आइस जो कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके साथ में मिक्स किया, उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर निकलता है नेट वो आता है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको ये स्टीम का मास बताना है कितना आपने लिया था। तो अब आपको पता है कि जितना ये स्टीम लॉस करेगी, स्टीम प्लस आइस नेट बनता है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्टीम क्या है 100 पे है, आइस है 0 पे, तो स्टीम जितना हीट लॉस करेगी उतना हीट आइस गेन करती जाएगी, ठीक है। जब हीट करें तो हमारे पास में हीट एब्जॉर्ब बाय आइस कितना आ जाएगा, एम ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस मास ऑफ आइस इंटू, हमें पता है क्यू का फॉर्मूला, हमें ये भी पता है एम सी डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस। तो इनिशियली इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस पे, बाद में इन सबका हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना आ गया 40 माइनस 0, ठीक है। आगे अगर स्टीम की मैं बात करूँ तो मास ऑफ स्टीम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्लस मास ऑफ स्टीम सी डब्ल्यू, और इसके बीच में कितना टेम्परेचर चेंज आया, इनिशियली ये 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, बाद में ये 40 पे चली गई, तो 100 माइनस 40 का चेंज आया। अब हमें पता है कि हीट जो एब्जॉर्ब करेगी हमारी आइस वो हीट रिलीज के इक्वल होने वाली, तो ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन है, एल एफ सी एफ सी डब्ल्यू सब की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, आप इन सबको रखोगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि हमारे पास में एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड ए है, उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है 100 बी बाय ए की, जिससे ब्लॉक टॉपल नहीं हो बिफोर स्लाइडिंग। मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, एक ब्लॉक को स्लाइड कर रहे हो इस तरीके से, तो स्लाइड करते करते वक्त आप ये जो ब्लॉक है आगे की तरफ गिर सकता है, टॉपल कर सकता है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है, गिर सकता है, तो आपको उसी चीज़ की वैल्यू बतानी है कि वो टॉपल ना करे, तो 100 बी बाय ए की वैल्यू क्या होगी जिससे कि वो इस पॉइंट के अराउंड टॉपल ना करे। आपको फ्रिक्शन का म्यू दिया हुआ है 0.4, फोर्स बोला है कि हम मिड पॉइंट से, जो ये मिड पॉइंट है, अगर ये टोटल ए है तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी ए बाय टू, तो इससे बी डिस्टेंस ऊपर हम लोग ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ इसका वेट की वजह से भी एक फोर्स लग रहा होगा एम जी, तो अब भी हम इसको ढंग से 2D प्लेन में देखते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हो, मगर अभी आपको यहाँ से समझ में नहीं आ पाएगा। तो अगर मैं अब आपसे बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्यूब गिवन है, तो अगर क्यूब में आपका मैं 2D प्लेन सिर्फ और सिर्फ एक आगे की तरफ का हिस्सा आपको दिखाऊं, तो आपका ये मास लग रहा है नीचे की तरफ mg, मास लग रहा है नीचे की तरफ mg। अब पीछे की तरफ क्या लग रहा है आपका, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F, बी डिस्टेंस ऊपर a बाई टू से, और पीछे की तरफ क्या लग रहा है आपका, फ्रिक्शन फोर्स भी लगता जा रहा है। अब आपका ये जो b की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से a बाई टू के बीच में ही हो सकती है, क्योंकि b क्या है a बाई टू सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है, तो b की वैल्यू 0 से a बाई टू के बीच में हो सकती है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, जो टॉर्क लगेगा अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू देखूं, तो ये है आपके पास में फोर्स, तो फोर्स आपका इस चीज़ को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका टॉर्क हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ में लेंगे, तो फोर्स इस डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस ऊपर है यहाँ पर, बी प्लस ए बाय टू डिस्टेंस, तो टॉर्क हो जाएगा एफ ए प्लस टू बाय बी। अब
ये जो mg का फोर्स है ये इसे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, तो इसका जो टॉर्क होगा उसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेने वाले हैं। तो नेगेटिव mg कितना डिस्टेंस दूर है इससे, a बाय टू डिस्टेंस दूर है, इक्वल्स टू जीरो। अब क्योंकि हमें पता है ब्लॉक टॉपल नहीं होता, तो ब्लॉक को टॉपल कौन सा फोर्स करा रहा है, ब्लॉक को ये वाला जो एफ फोर्स है ये इसको टॉपल कराने के लिए है, और एम जी क्या है, इसको टॉपल ना कराने के लिए, रोकने के लिए। तो अब हमें पता है ब्लॉक टॉपल नहीं करता, तो जो एम जी का टॉर्क होगा वो ज़्यादा होगा इस एफ के टॉर्क से, तो जो एम जी का टॉर्क है ये वाला वो ज़्यादा होगा फोर्स के टॉर्क से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमें पता है एम जी ए बाय टू, अब ये जो फोर्स लग रहा है वो हम किसके इक्वल लगाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। फ्रिक्शन फोर्स जो इधर वाली डायरेक्शन में लग रहा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, म्यू एम जी, और म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.4। तो ये आपका म्यू एम जी ए प्लस बी बाई टू ए बाई, अब यहाँ से एम जी कैंसिल हो सकते हैं, म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 0.4। जब आप इस सबको सॉल्व करोगे, ए बाई टू को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इज लेस देन इक्वल्स टू 3a/4। बट आपको क्या पता है कि जो बी की वैल्यू है वो जीरो से ए बाई टू के बीच में आती है। ठीक है, तो b की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू अब ये है 3a/4, और यहाँ पर कहीं है आपका a/2 और यहाँ पर है आपका 0। तो आपसे बोला है b 3a/4 से छोटा है, बट आपको पता है b a/2 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो b क्या होगा आपका a/2 से मतलब छोटा आप कह सकते हो। ठीक है, तो b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू a/2। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 100b/a की, तो b आपके मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी b की, a/2। तो अगर मैं b की यहाँ पर a/2 मैक्सिमम वैल्यू लिखूँ तो ये आपका हो जाएगा a/2 × a, तो 100/2 दैट इज इक्वल्स टू 50 आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 100b/a का। ठीक है, क्लियर है आपको ये वाला सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपसे बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी, फाइंड द एंगल बिटवीन क्यू एंड रिजल्टेंट ऑफ टू पी एंड क्यू। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या गिवन है कि अगर हमारे पास में ये कोई भी पी वैक्टर है, ये है हमारे पास में क्यू वैक्टर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी आपका, ये आपका पी वैक्टर है, ये आपका क्यू वैक्टर है, जो आपका इन दोनों का रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड पी वैक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो अगर आपके ये दोनों वैक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है आइसोसेलेस ट्राइंगल से। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपसे बोला है कि जब हम Q का रिजल्टेंट लेते हैं 2P के साथ में, जब ये आपका Q है और ये आपका P था, तो अगर हमें Q का 2P के साथ में चाहिए तो इसको डबल कर देंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें ये वाला एंगल बताना है Q, ये हो गया 2P और इन दोनों का ये हो जाता है रिजल्टेंट Q प्लस 2P, तो हमें इसके बीच में क्या एंगल है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये है आपका 2P, तो आपने अभी पढ़ा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था आपका P, तो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। तो अब आपने देखा कि इसका जो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा, ये वाला एंगल अगर थीटा होगा, तो अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करूँ, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये थीटा और ये भी आपका थीटा हो जाएगा। क्लियर है, और क्योंकि ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, ये वाला भी पी है क्योंकि हमने 2p कर दिया है, ये पी, तो ये वाला अगर पी है, ठीक है, और अगर ये वाला भी पी है, तो ये वाले जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको इतना क्लियर है, तो अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा π/2 − θ। अब आपको पता है ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका π/2 − θ। अब आपको ये वाला एंगल बताना है टोटल कितना होगा, तो ये है थीटा, ये है π/2 − θ, दोनों को ऐड करोगे तो π/2 − θ + θ दैट इज इक्वल्स टू योर π/2, तो आंसर आ गया आपका π/2। क्लियर है, आगे बात करें। इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि हमारे पास में एक बैटरी है अननोन EMF की, उसको आपने पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट किया, तो बैलेंसिंग लेंथ आपको गिवन है 560 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, तो हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर में कुछ इस तरीके से हम एक EMF लगाते हैं, आगे आपका यहाँ पर होती है बैलेंसिंग लेंथ, तो हमें पोटेंशियल, अगर हमने ये EMF E कनेक्ट किया और ये बैलेंसिंग लेंथ है L, तो ये जो EMF होगा आप किस तरीके से दे सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू दिस लेंथ, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलता है आपका, कितना वोल्टेज ड्रॉप इस पूरे के पूरे वायर पे है अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर। क्लियर है, अब अगर मैंने मान लिया इस क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट है आपका x, ठीक है,
अभी आगे बात करते हैं बाद में। अगर आपको बोला है कि इस क्वेश्चन को समझते हैं, तो आपने इतना देखा बैलेंसिंग लेंथ इनिशियली 560 थी। अब आपने क्या करा, इंटरनल इस जो हमने EMF लगाया था उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का। अब आपकी बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गई बाय 60 सेंटीमीटर, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा, वैल्यू ऑफ N, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आपके पास में ये हो गया EMF इक्वल्स टू 560x। अब अगर मैं कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टर तब की बात करूँ, तो जब आपने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर तो I कितना फ्लो करेगा इसके अंदर, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, N 10 प्लस N बाय 10, तो V आपका हो जाएगा IR, V इज इक्वल्स टू IR, तो V आपका हो जाएगा E अपॉन 10 प्लस N बाय 10 इनटू नेट रेजिस्टेंस R जो कि है आपका 10। क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अब ये जो V है ये किसके इक्वल है आपका 500, 60 से चेंज हो रही है तो 560 से माइनस करेंगे 60, तो आपका 500 इंटू एक्स। अब हमें पता है कि ये दोनों चीज़ें जो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इस स्मॉल आर की, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कर देंगे डिवाइड तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बचेगी आर की। तो आर आपका आ गया 6/5, दैट इज इक्वल्स टू 1.2, और आपसे बोला है आर है आपका एन बाय 10, बेसिकली आपको एन की ही वैल्यू निकालनी, तो ये आपका हो जाएगा 12/10, तो 10 से 10 कैंसिल, आपका एन आ जाएगा 12। क्लियर है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपका 25th क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो वर्थी लगती है तो आपको कर देना इसको लाइक, और चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम जल्दी से 150 को क्रॉस करने वाले हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।